हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी। हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है आपको तो पता ही है। एक बार इस तरीके से करेले की सब्जी बनाकर खाइए, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। और जो नहीं खाता है ना, उसको भी परोस के देखिए, वो बोलेगा आपने इस बार कैसे बनाया करेले की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और कड़वी भी नहीं बनी। तो चले, आपको इस तरह से मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशा श्री के किचन में। तो चले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो जितना करेला लिया है। इस करेले को मैंने काट के एक घंटे के लिए नमक के पानी में छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज को काट के लिया है और एक टमाटर को काट के लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा कम हरी धनिया को काट के लिया है। आपको 3 चम्मच जितना गुड़ ज़रूर लेना चाहिए, इससे ही आपका कड़वापन कम हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा कम मूंगफली लिया है, 3 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा लिया है, 3 से 4 स्पून जितना तेल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर करी पत्ता, गरम मसाला, हल्दी और नमक लिया है। तो चले देखते हैं करेले की सब्जी कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे का तवा लिया है, उसमें हमें जो एक घंटे के लिए करेले को काट के नमक के पानी में डाल के रखा था, उस करेले को हमें लोहे के तवे में डाल के अच्छे से इसको भूनना है। देखिए, कोई भी आप सब्जी भूनना हो तो एक लोहे का तवा लीजिए, नहीं तो लोहे का कढ़ाई लीजिए। इस पर आप कोई भी सब्जी भूनेंगे ना, बहुत ही अच्छी भूनती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लोहे का तवा लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें हिलाते रहना है। जब इसका पानी इसमें से कम हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल के इस करेले को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून के लेना है। आपको इसी तरह हिलाते रहना है, नहीं तो करेला नीचे से जल सकता है। ये देखिए, मैंने इसी तरह 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से हिलाते हुए इसको फ्राई किया है। अब हमें इसको गैस ऑफ करके एक कढ़ाई लिए, उसमें मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जितना तेल डाला है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब सरसों। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जितना करी लीव डाला है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जितना जीरा डाल के इसको अच्छे से हिलाऊंगी। अब हमें इसमें डालना है, एक प्याज को काट के लिया था, इस प्याज को मैं इसमें डाल के अच्छे से हिलाना है। अब हमें इसमें डालना है टमाटर को। यहाँ पर मैंने टमाटर को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से हिलाते रहिए, ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसको इसी तरह हिलाते रहना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सॉफ्ट होने तक अच्छे से हिलाया है और ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून जितना गुड़ लिया था, उस गुड़ को मैं इस तेल में डाल के अच्छे से हिलाऊँगी। आप इस तरह से हिलाने के बाद हमें इसमें डालना है, अब हमें इसमें डालना है 1/4 टेबल स्पून जितनी हल्दी और 3 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालिए, आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हिला कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्राई किया हुआ करेला डाला है। ये देखिए, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करके लिया है। ये देखिए, इस तरह से हिला कर लेने के बाद हमें डालना है इसमें 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमें डालना है इसमें नमक। आप नमक को स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से और एक बार मिक्स करके लेना है। ये देखिए, इसी तरह आपको सारे नमक को और गरम मसाले को मिक्स करके लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो 1/2 कप जितना मूंगफली लिया था, उस मूंगफली को मैंने यहाँ पर पाउडर बनाकर इसमें डाला है। अब हमें इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालना है 1 कप के बराबर पानी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपको थोड़ा ज़्यादा पका हुआ चाहिए तो और 1/2 कप इसमें पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर 5 मिनट तक इस करेले को पकने दे रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिला के चेक किया है, ये अभी पका नहीं है,
इसीलिए मैंने यहाँ पर और दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकाए। ये मुझे टोटली पकाने के लिए 7 से 8 मिनट लगाए। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है करेले की सब्ज़ी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको यहाँ पर ऊपर से हरी धनिया को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट करेले की सब्ज़ी बन चुकी है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक